लेवल की थी एंड फ्रॉम बीइंग अ कंप्लीट नॉन बिलीवर टू कंप्लीट सरेंडर टू गुरु जी. ये कहानी क्या हुई, कैसे हुई, बाद में आपके साथ सबके सामने शेयर करना चाहूंगी. मैं अगर आप लोगों को आइडिया हो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ कि गुरु जी कैसे मेरी जिंदगी में आए और क्या हुआ. तो यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो फाइनल राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के राउंड्स, मैं वो लीड कर रही थी और इंडिया के जो टॉप रैंकर्स हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, तो मेरा रोल होता था उन बच्चों को ट्रेन करना और मैं पैशन के हद तक वो ट्रेन कर रही थी. मतलब कहते हैं काम को जुनून बनाना, मेरा वो लेवल पे काम था. वैसे मैं रहती भोपाल में हूँ बट आई थिंक ऑलमोस्ट 12 महीने में से 9 महीने मैं दिल्ली में रहती थी. आपने यहाँ पे राजीव नगर सुना होगा, मुखर्जी नगर सुना होगा, बारहवीं फेल जिसने देखी है आई थिंक वो समझ सकते हैं कि मेरा काम क्या था. मैं पैशन की तरह अपने काम को करती थी और बहुत जुनून के साथ करती थी क्योंकि मुझे लगता मैं बहुत बड़ी देशभक्त. आज भी अगर जंगल मन कहीं होता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो मैं अपना ही काम इस तरह से करती थी कि मैं इस देश के जो यंग बच्चे हैं उनको चैनलाइज करूँ, मैं उनको एक भविष्य और वो इंडिया का बेस्ट समझिए आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बेस्ट सर्विस इन द कंट्री, उससे कुछ है ही नहीं इंडिया. अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसका एग्जाम भी उतना ही लेवल का है और मैं दिन रात मेहनत करके वो पास करती हूँ. कई बार महीनों ऐसे होते थे कि मैंने सूरज नहीं देखा होता था, सुबह 6 बजे क्लास में घुस जाना, रात के 10 बजे तक 11 बजे तक मेहनत कर रहे हैं. आई वाज खुश, आई वाज वेरी हैप्पी. इंडिया के टॉप रैंकर्स निकाल रहे हैं, इंडिया के टॉप लेवल के बच्चे निकाल रहे हैं, जुनून वो पैशन. और फिर कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ें आती हैं, नंबर वन में मेरा है, तो साथ साथ एक एटीट्यूड भी आता है. ह्यूमन बीइंग है हम, हमारे में अच्छाई भी है, हमारे में बुराई भी आती है. आई लिव इन दिस, कुछ नहीं समझना किसी को, अपने आप को ऐसे समझना जैसे हम खुद ही आईएएस ऑफिसर्स हैं. वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आने लग गया था. पायलट बन के हद तक काम चल रहा था, सब चल रहा था, पर मैं खुश भी थी अपने उस जुनून में, अपने उस एटीट्यूड में, अपना वो जो मेरा मतलब मैं अपने छोटे से दायरे में नंबर वन की इंडिया में जो फील था मेरे अंदर, ट्रैवल कर रहे हैं कभी बैंगलोर कभी हैदराबाद, एक वो साइज स्टेटमेंट जो आता है वो आ चुका था. 2020 आया, आई एम श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड, 2020 पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था. कोरोना से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था लेकिन मेरी एक अलग ही कहानी शुरू हुई. 2020 में आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर. पर हाथी एक तो सब कुछ नया था, सब घर में झाड़ू पोछे लगाने में लगे हुए थे, मैं भी लगी हुई थी, सब शटडाउन था, पूरा वर्ल्ड शटडाउन था. हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए, मेरी जबान में थोड़ा सा अल्सर था या क्या था मुझे नहीं मालूम है, वो पेन करता था लेकिन दिमाग उस समय बहुत अलग चीज़ों में, घर को बचाना है, मेड्स नहीं आ रही हैं, नया नया कोरोना, तो वो दिमाग इस तरह गया नहीं. जूम पे सेशंस लेना, ऑनलाइन सेशंस लेना, क्योंकि जिम्मेदारियाँ तो वहीं पे थी. तो मैं करती गई करती गई करती गई और मेरा वो शायद अल्सर कैंसर में कन्वर्ट होकर बढ़ता गया और मुझे नहीं पता था. वो होते ना कुछ आप दवाइयाँ लगा लो और काम करते रहो, पागल पर था. जब बहुत बढ़ गया तो मैं लोकल डॉक्टर कैसे एक्सेस की, सब बंद पड़ा था पूरा वर्ल्ड, मैंने एक्सेस किया लोकल डॉक्टर कैसे भी करके एंड वहाँ मुझे बोला गया कि आपको कैन कैंसर है और 2 या 2.5 महीने से ऊपर आपकी लाइफ नहीं है क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ चुका है. फिर नहीं पता नहीं, मैं शायद शुरू से कुछ रिबेल देखती थी तो मुझे उतना असर नहीं आया. ठीक है 2.5 महीने लाइफ देखते हैं करते हैं कुछ. आई वेंट बैक होम और सोचा देखा जो चीज़ें चल रही थी चलने दी. फिर मन में आया कि 2.5 महीना तो है ना हमारे पास, रूपा सोचते हैं देखते हैं शायद बच जाओ, वरना तो है ही ना शायद बच जाओ. अभी भी मैं आपको बता रही हूँ गुरु जी कहीं पे नहीं है, मेरा वो प्रेशर मेरा वो बिखरना टूटना भी कहीं नहीं, मैं नहीं बिखरी हूँ यहाँ तक इस कहानी तक. फिर मैंने कहते हैं ना जब आप कुछ कर्म भी अच्छे करते हैं तो ईश्वर होता है कहीं आपको निकालता है. मैं कभी भी मैं बहुत एथिकल भी रही अपने काम में, मैंने कभी भी बच्चों के नंबर सेव नहीं किए. क्यों नहीं किए, मुझे मालूम था जब ये पावर में आ जाता है, जब ये गद्दी पर बैठ जाता है
तो मेरा लालच भी उसके साथ बढ़ जाएगा। आप जो चाहे वो करा सकते हैं, इंजॉयमेंट अभी आपके हाथ में। मैं तो IAS IPS ऑफिसर्स बनाती थी, तो इतना मांग और इतना सम्मान के रखते थे बच्चे, तो मेरे मन में हमेशा ही आता था कि कहीं मेरे मन में लालच ना आ जाए, कहीं मैं गलत उसमें ना आ जाऊँ, क्योंकि ये काम मैं बहुत सिंसियरली बहुत जेन्युइनली करती थी, मैं नंबर सेव नहीं किया करूँगी। अब लेकिन लगा कि यार बॉम्बे भोपाल में तो हो ही नहीं सकता था इसका, US जाना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था, एवरीथिंग पूरे बॉर्डर सील थे सब था, एक मुंबई तक एक्सेस हो सकता था। अब मुंबई कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ बच्चे जो शादियों में हमें बुलाते थे उनके कार्ड मुझे कुछ व्हाट्सएप पे मिल गए, नंबर तो सेव किया नहीं था, पहले कार्ड भेजा है, ऑनलाइन कार्ड भेजा है, मैम शादी अटेंड करनी है, वो नंबर मैंने निकाले और मैंने कॉन्टैक्ट किया हिमांशु जो था मेरे बच्चे से, लेकिन मुझे बहुत सख्त जरूरत है मदद की, बॉम्बे में जितने मेरे बच्चे लाखों में पढ़ाए थे मैंने बच्चे, जितने बच्चे अच्छी पोजिशन पर बॉम्बे में हैं सबका मुझे लिंक चाहिए। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप बने, बच्चों ये हैं बच्चे ये जो शायद मैंने कुछ किया था उनकी जिंदगी में, रातों रात व्हाट्सएप के ग्रुप बने, रातों रात जितने बच्चे अच्छी पोजिशन पर ऑल इंडिया लेवल पे थे सब उसमें जुड़ गए। मैंने एक बात बोली, कोई अपने आप को रिस्क नहीं करेगा, कोरोना मेरे लिए है तो तेरे लिए भी है, मुझे जो चाहिए मैं इस ग्रुप पे लिखती जाऊंगी और तुम्हें अवेलेबल करवाना है, चाहे वो कैब हो, चाहे मुझे कपड़ा चाहिए मुंबई में, चाहे मुझे डॉक्टर का एक्सेस चाहिए, अपनी पावर का इस्तेमाल करो और मुझे हर वो एक्सेस दिलवाओ, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं निकलेगा कि अरूपा मैम को मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। खैर शॉर्ट में बताती हूँ, रातों रात बॉम्बे पहुंची, कैसे डॉक्टर को घर से निकाला है संकट जी मैं जानती हूँ, डॉक्टर्स भी उस समय खुद थे। पैसा कैसे एक रात में निकलता है, हम जो जोर जोर के बैठते हैं पैसा FDs कराते हैं, SIPs करते हैं, मैंने भी बहुत शाने दिमाग चलाए थे सब चीज़ों में, संजय जी एक रात में कैसे निकलता है मैं जानती हूँ, जो संजोया था ऐसे बह रहा था, एक लर्निंग यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही मनी जरूरी नहीं है, लेकिन मनी सब कुछ नहीं, बिल्कुल भी सब कुछ नहीं, ये मैंने वहां लर्न किया, दिखा मुझे एक रात में जितना मैंने कंजूसियां करती थी सब बाहर एक रात में दिखा। खैर डॉक्टर्स आए, टीम्स आई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया गया मुझे, मैं संजय जी अकेले गई थी मुंबई। यहाँ पे एक और दुनियादारी का एक मसला, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम नहीं करना, जब मैं अकेले जा रही थी बॉम्बे ट्रैवल कर रही थी प्राइवेट जेट के थ्रू, क्योंकि एयरलाइन सब बंद थे, Everyone had a pressure on my husband. तुम क्यों नहीं जा रहे, वो अकेली जा रही है, तुम क्यों नहीं, मैंने साफ बोला अपने हस्बैंड को, देखो मुझे तो मरना ही है, दुनिया की छोड़ो मेरे अपने माँ बाप भी तुम्हें फोन करके बोलेंगे तुम्हें रूपा को अकेले जाने के लिए, तुम्हें किसी की नहीं सुनना, मेरी एक ही बच्ची है संजय जी, बहुत मुश्किल से सुनी थी, देखो मरना ही है, तुम तो सही रहो उसके लिए, अगेन अलर्निंग लाइफ में प्रैक्टिस मतलब बहुत जरूरी, बस सोचिए दुनियादारी की, दुनिया वो उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी सोच है, रहने दीजिए उसके साथ, आपको अपना देखना है। मैं अकेली पहुंची मुंबई, जब हॉस्पिटल सब वो सब प्रोसीजर्स का जो भी था, जब मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जा रहा था, उससे पहले सर्टिफिकेट साइन किया जाता है जहां आप ये कहते हैं रिश्तेदार करता है कि अगर इनको छोड़ गया तो हमारी जवाबदारी, तो जूनियर्स डॉक्टर से शायद मालूम नहीं था, वो आके बोले आपके रिश्तेदार कहा है, कोई नहीं है, आप अकेले आए हैं, कहा तो ये कौन साइन करेगा, तो मैं मेरी डेथ है ना मैं साइन करूँ, एकदम घबरा गई, द लेडीज नर्स शी वाज देयर, सारे डॉक्टर से बुला के लिया कि पता नहीं क्या कह रही है क्या है, हमें समझ प्रोसीजर्स होते हैं मुझे आज एक दिन उसमें आपको सुना है प्रोसीजर्स नहीं है, वो मैं कहा आज साइन मैं सुन रही थी आप लोग वहाँ कर दी, मैं कहा आप में से कोई दयालु है तो मेरा सगा बन जाएगी साइन कर दीजिए, नहीं तो मैं साइन कर दूँ, संजय जी जब मैं साइन कर रही थी सारे डॉक्टर्स आके वो सुबह 7 किलोमीटर साफ ही अवेलेबल था ताली बजा रहे थे, वहाँ मुझे बड़ा अच्छा फील आया कि यार चल जंग लड़के आते रूपा देखी जाइए, मुझे नहीं मालूम था अंदर से बाहर वापस भी आऊंगी, फकीर बाबू नहीं इवन डॉक्टर्स को भी पता नहीं कि मैं वापस आऊँगी, तो वो तालियाँ अजीब नजर आई, तो स्ट्रेंजर के लिए भी ताली बजा रही, उस तो आपको नहीं मालूम वो किस चीज से गुजर रहा है, शायद वो ताली उस आपकी उसके लिए कितनी जरूरी है, जो मैंने उस समय लगाई थी सब स्ट्रेंजर्स मेरे आस पास थे, मैंने आप साइनिंग का सर्टिफिकेट क्या मेरे हाथ में था फिर उन्होंने, मैं भी इंसान मेरे अंदर भी डर था, वो ताली ने मुझे एक बंधाया
आऊंगी वापस, बाहर जो आऊंगी देखते हैं जो होगा। आई विल साइड 9 घंटे मेरी सर्जरी चली, अभी तक भी मैं बिखरी नहीं हूँ, गुरु जी अभी दिखाई नहीं है, आएंगे अभी, इंतजार कीजिए। मैं बाहर आई आईसीयू से, जो भी सब तक तो बेहोश थी। फाइनली जब होश आया, आई थिंक दैट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी। अच्छा बहने दो ना, दैट वाज अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी। मुझे अब तक याद आता है वो सीन, सीनियर डॉक्टर सेशन हेड भक्ति शिवा, ही वाज देयर, बोले बाबा बचा तो दिया है पर तुम शायद जिंदगी में कभी बोल नहीं पाओ। आई थिंक संगत जी गुरु जी सामने हैं, वो मेरे टूटने वाला पद, मुझे ऐसे जिंदा नहीं रहना था, ये मेरा अस्तित्व था, मैंने अपनी जिंदगी इस पर लगाई थी, मैंने अपना बच्चा परिवार सब छोड़ के मैं दिल्ली बैठी रहती थी। अब मैं कैंसर के लिए कभी नहीं, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता, ओवरी कैंसर बहुत कॉमन है इसमें, अब इसमें तो गीता नहीं, मैं अभी तक कुछ बहुत डरी नहीं थी, कैंसर सभी पीछे एवरी हाउस दी थी राइट, तो वो सब नहीं था, लेकिन यहाँ से ये तो मेरा अस्तित्व था, यही तो मैं करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ था दुनिया में इसके लिए, जुनून की हद तक करती थी, वाई दिस, बोल नहीं पाऊंगी। वो मेरे लिए आई थिंक टर्निंग पॉइंट हो गया, और मैं बहुत गंदा लेवल ऑफ ह्यूमन बींग जो हो जाता है शायद मैं बोल रही हूँ, मुझे अपने आस पास लोग अच्छे नहीं लगते थे, मुझे जलन होती थी, मुझे ईर्ष्या होती थी, मैं खा भी नहीं पाती थी, मेरे पेट में टूट थे। जब मेरे सामने एक नर्स, मुझे आज से याद है, बैठ के रोटी सब्जी खा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे जलन हो रही, मुझे अंदर से तकलीफ हो रही थी, मैंने क्या किया। यहाँ पे आता है सवाल, जब हम भगवान से पूछते हैं भाई मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया, मैंने अपना अच्छा काम किया दुनिया के लिए, मेरे तरीके से वो देश सेवा थी, मेरे तरीके से मैं अपना काम कर रही थी, क्यों बोल सकती थी कि अंदर सब चलता रहा। फिर सब कुछ हुआ मेरे साथ, कीमो रेडिएशन जिनको भी कैंसर के बारे में मालूम है, सब यहाँ पे हुआ, एवरीथिंग वाज हियर। जो एक औरत अगली सर्दी लेवल पे पहुँच सकती है, मैं संगत जी बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत गुमान होता था अपने सुंदर होने पर, भगवान ने मुझे मेरा सबसे बुरा रूप दिखा दिया, चेहरा दिखा दिया था, यहाँ से पास, यहाँ से पास, सब यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और लर्निंग आती है, मैनिफेस्टेशन, जो आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है, जो शायद अपने आप हो रहा था। खैर बातें तो मैं बहुत कर नहीं कर पाती थी, लेकिन आई यूज़ टू टेल माय डॉक्टर, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या थी, वो प्रोसेस जर्नी थी जो चल रही थी, मेरे मन में आता था कि भगवान बहुत गंदा कर दिया, चेहरा बर्बाद कर दिया, सब मेरे बाल नहीं जान, कैंसर में नाम लिया बैड हो जाते आपकी कीमोथेरेपी, मेरे को बैड नहीं होना, मुझे गंजा नहीं होना, भगवान कुछ तो तरस था हो रहा। आई शुड स्पीक टू गॉड अगेन, गुरु जी नॉट हियर, पर शायद गुरु जी सुन रहे थे, सब देख रहे थे। मैं बोलती थी मुझे गंजा मत करो, बच्चों टाइप बोलती थी मुझे गंजा मत करो, इतना भी बुरा मत कर दूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी, बोल नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, चेहरा बर्बाद हो गया है, कुछ तो छोड़ो मेरे शरीर को, मुझे नहीं मालूम है क्या मेरे था, बताया मुझे फर्स्ट मिनट तो मेरे बाल नहीं गए, मतलब थोड़े बहुत खुशी दिखते थे, बैल वाला सीन होता वो नहीं हुआ। है सारे प्रोसीजर्स के बाद मैं वापस भोपाल आ गई, एडजस्ट करने लगी लाइफ के साथ, जैसे चल रहा है, लोग आते थे, आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो ब्राह्मण्स में होता है कभी कुछ भेज रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये पूछा, कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आई यूज़ टू समहाउ निगेट दैट, ये सब अच्छा भेजिए, मैंने ये नहीं होना चाहिए मुझे सर। अब आते हैं गुरु जी, यहाँ सुनिए संगत जी कैसे नॉन बिलीवर, वो लड़की जो दुनिया से बगावत ला रही थी, जिसको रहना ही अच्छा, जिसको जिंदा रहना अच्छा नहीं लग रहा, बस वो कहता ना मर नहीं पा रही थी, इतना ना जिगरा नहीं था, मैंने इतने जिगर चाहिए फसमा, वो जिगरा नहीं था, बोलती जरूर थी मुझे मर जाना चाहिए, सच्चा ही अगर, लेकिन चाहती तो मर जाती, मैं इतनी दबन किसी थी कि मैं कुछ ना कुछ इंजीनियर आम वही कहता है पढ़ा लिखा ज़्यादा मज़ा भी अच्छा नहीं होता, तो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी इंजीनियर लेवल पर, और पढ़ाना भी इंडिया के टॉप लेवल के इंजीनियर को, अब मेरे को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी ना नुकसान ही करती है, मुझे ऐसा लगता तो, लेकिन मरना आसान नहीं है, नहीं हो पा रहा था। एक दिन मेरी फ्रेंड शिकॉल मिया, शिकॉल किया कि व्हाट्सएप पर मुझे याद नहीं है,
एंड वो वही कहानी, मुझे भाग रहा है तेरा सुन के, मैंने तेरे प्रे की है, मैंने तेरे लिए किया, एंड आई वॉज नॉट लाइकिंग एवरीथिंग, ट्रस्ट माई वर्ड्स, मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगा था. बोली मेरे गुरु जी है, मैं तुझे गुरु जी का स्वरूप भेज रही हूँ. एंड मुझे याद है मैंने बहुत ब्लंटली बोला, मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज की बात तो मत नाम उस फ्रेंड का, नहीं तो मेरे को ये सब नहीं चाहिए, डोंट गेट दिस ऑल दिस शिट टू मी, मेरे को नहीं चाहिए. बोली तो मान ना मान, मैं तो भेज रही हूँ, यू डिसाइड. क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मेरे पास पहले हो चुके थे, तो होंगे कोई गुरु जी, मुझे तब तक भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ क्योंकि गुरु जी नहीं, मैं कहा होंगी कोई गुरु जी, भेज रही है ठीक है आने दो देखा जाएगा. ड्राइवर आया, ड्राइवर ने घंटी बजाई, आई ओपन द डोर, उसने मुझे गुरु जी का एक स्वरूप दिया. इनको देख के मुझे याद आया, बिकॉज आई वाज इन दिल्ली, आई वाज वर्किंग दिल्ली, तो मैं तुमसे मजाक उड़ाती थी दिल्ली में, हमारे हर माई पेरेंट्स इन बसंत भुज, तो बसंत भुज से तो हर घर में ये सब होता था, तो मैं तो हंसती थी, स्टेज थ्री वाले गुरु जी हैं, हाई प्रोफाइल गुरु जी हैं, तो उनकी शक्ल देखती तो मैं हंसी माफ करना गुरु जी ब्राइडेड था, आई कैंट हेल्प इट, ह्यूमन बींग है, हमसे गलतियाँ होती है, वो मुझसे भी गलती, मैंने मजाक उड़ा के मैंने हाथ में देखा, मैं अच्छा आप हैं कोई बात नहीं. अब आई थिंक यही दरवाजा है, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मेरा जो मंदिर है, जो थोड़ा सा एक मंदिर था मेरा, तो जहाँ पे ये आके बैठी है वहाँ पे, वहाँ तक होगा. अब यहाँ पे प्लीज दो मिनट ले, दो मिनट से बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तस्वीर भेज रहा है, सुनो ध्यान से. अब संजय जी मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, जो बता रही हूँ उनकी कसम खा के बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ. ये स्वरूप मेरे हाथ में लेके मैंने दरवाजा बंद किया, मैं ऐसे लेके आराम से वहाँ जा रही हूँ. वहाँ पहुँची मैं, हर मंदिर में हमारे ब्राह्मण्स में नीचे ड्रॉर्स होते हैं, जहाँ पे हम ये सब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कहीं से तिरुपति से आए, कहीं से आए, उसे रखते जाते हैं. दैट्स स्वरूप, इमेजिन दिस इज़ अ स्वरूप. मैंने ड्रॉर खोला है, मुझे नहीं मालूम है संजय जी, ये स्वरूप अपने आप मेरे हाथ से, जो मेरे मंदिर का बेस्ट सिंहासन था, जहाँ पे मैं अपने भगवान रखती थी, अपने आप ही हुआ है. मैंने मेरा हाथ से ड्रॉर मैंने खोला है, आई एम टेकिंग माई हैंड हियर, पर अपने आप में क्या एनर्जी थी, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं, पर वो क्या एनर्जी थी, क्या था मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं एग्जैजरेट कर रही हूँ, ये अपने आप गुरु जी मेरे बेस्ट सिंहासन, जो मेरे मंदिर छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे जो मेरा रोना शुरू, मैं रोई जाऊँ, अपने जो अंदर भरा था मेरे अंदर, वो कैसे निकलता जा रहा है, ही इज देयर, और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, अपने आप आंसू बह गए, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये. आई वाज क्राइंग एंड क्राइंग, एंड जब क्राइंग होने के बाद मन शांत हुआ, फिर मैंने आई यू माई माई सॉन्ग लाइक अमिताभ बच्चन, बट आई वॉज लाइक दिस, मैंने ही बोला, मैं कहा आए हो ना, अपने आप आए हो, मैंने नहीं बुलाया, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी यही वर्ड्स है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल, जैसे आप आए हो ना, अपने आप आए हो, मैंने नहीं बुलाया है, और मेरे मंदिर के बेस्ट सिंहासन में बैठे हो, मुझे मेरा अस्तित्व वापस चाहिए, ना प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को प्रूव करो, वरना मैं आपको नहीं मानने वाली, मैं हटाऊंगी नहीं आपको वहां से, अपने आप आपने वो जगह ली है, सिट देयर, बी देयर, प्रूव करो. और यहाँ पे खत्म हो गई कहानी, और मैं अपने रास्ते गुरु जी वहां बैठे जाऊँ. यहाँ से मेरी जर्नी ऑफ बिलीविंग शुरू, अपने आप मिलकर एक आदमी नहीं होता है, आवाज होती है, शायद गुरु जी अपने साथ कुछ और ले गया है, मुझे फील गुड आने लगा, मेरे अंदर जो एंग्री हार्मोन्स थे अपने आप, कोई मैं पूजा नहीं करती थी, कुछ नहीं, बस देर मैं अपना, मेरा घर है, मैं कर रही हूँ अपना काम, संजय जी मैंने कोई स्पीच थेरेपी नहीं लिया है, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया था, मेरी स्पीच मिराकुलस ले गई है अपने आप आने, ये मेरा पहला एक बहुत बड़ा ताली बजाइए, अपने आप मेरी स्पीच आने लगी, अपने आप मिराकुलसली में सुंदर होने लगी, अपने आप हो रहा था, कोई ऐसी क्रीम थी कि नारियल तेल लगाना ये वो सब तो लेडीज आने करती हैं, तब मैं सुंदर होने लगी, मैंने धीरे धीरे देखना शुरू किया अपने आप थोड़ी सुंदर, और कोई मैं गुरु जी से बात भी नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ उस दिन बात की थी, मैं कहा आई वुड नॉट प्रूव योरसेल्फ,
मुझे मेरा अस्तित्व चाहिए, मुझे मेरी आइडेंटिटी मुझे वापस से कहती खत्म थी कहानी मेरे गुरु जी के साथ। ही वॉज देयर आई वॉज देयर। मेरा चेहरा अच्छा होने लगा, मेरी स्पीच आने लगी, मेरे बाल जो शायद यहाँ वहाँ से चले गए अपने आप नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे वो औरा फील होने लगी। मैं फिर बहुत गलत अपने मन में भावनाएं लेती थी, मुझे लोग अच्छे लगने लगे, मेरी स्पीच आने लगी। फिर मैंने कहीं ना कहीं रियलाइज किया इट इज अ प्रेजेंस एंड औरा फील। अब मैंने पूछना शुरू किया कि भाई कहाँ है गुरु जी, क्या होते हैं सत्संग, एक वो मन में आता ना अच्छा फिर लालच, लालची इंसान है। मैंने पता करना शुरू किया कि भाई कहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। मैंने सत्संग अटेंड किया। अब मेरे खाने की जरूरी दोनों बारों का ये भी बहुत जरूरी सत्संग में कहीं से खाना शुरू किया। मैंने क्यों तो हट गई थी बट मैं बिल्कुल लिक्विड पे थी, मैं नॉर्मल खाना नहीं खा पाती। मैंने भोपाल का एक सत्संग अटेंड किया, पहला सत्संग मेरा घर पे तो थे गुरु जी पहला। अब जब कहानी खत्म हुई तो जैसे आप लेके बैठे हैं छोले भटूरे वही मेरे सामने आया। आफ्टर द सत्संग जो प्रसाद मिलता है चाय तो मैं पी ली कैसे भी करके, छोले भटूरे मेरे सामने आए। अब वो इंसान जो एक किसी मिर्ची में अगर लग जाए तो आसमान में पहुंच जाती है, इतना मुंह नहीं खुलता है, जो लिक्विड पे है उसके सामने छोले भटूरे। जो वहाँ पे सत्संग करने वाले जो संगत जी थे मैंने हाथ जोड़ के विनती करा, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ नहीं खा सकती, मैं खाना ले आएगी ये। मैंने बोला मैं नहीं खा पाऊंगी, समटाइम्स पीपल आर वर्थलेस, नहीं समझते दूसरे को। आप वो शायद अकबर को ब्लेम नहीं कर रही लेकिन वो शायद अपनी धुन में थे। नहीं 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 मैडम जी ये तो खाना ही पड़ेगा, ये तो प्रसाद है, ये तो आप हटाइए आपको पूरा खाना पड़ेगा। अरे बोल पा रही थी उतना एक्सप्लेन कर नहीं पा रही थी, उसकी सुखनी थोड़ी आएगी समझ ही ना। मैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ थी मैं नहीं कर पाऊंगी, वो तो एकदम ऐसे ब्लंटली नहीं नहीं तो आपको खत्म करना है ये। फिर मैंने गुरु जी के हाथ जोड़े, देखा देखते हैं। मैंने चार जल प्रसाद मंगवाया, तीन चार जल प्रसाद मारे थे और मैंने खाना शुरू किया। मेरे आंसू बहे जा रहे हैं, मुझसे चू नहीं हो रहा है। मैं एक भटूरा तो मैंने अपने बगल वाले को दे दिया, उनको भी तो शक शुमार था कि नहीं हम दूसरे का नहीं ले सकते ये, मैं जबरदस्ती डाल दिया। एक मैंने खास कोशिश की, मेरे गुरु जी लेट्स सी करके देखते हैं। बहुत मिर्ची लगी, बहुत बुरे हाल हो रहे थे, पानी पीने जा रही थी और ऐसे निगल रही थी उसको। एंड में पतन खान छुपी बैठी थी एक मिर्ची अचार वाली, अब वो सामने आई। मैंने कहा ये तो मेरे बस की नहीं, कैसे भी करके मैंने वो तो खा लिया जो ये आपका छोला भटूरा। मिर्ची तो मैं आज भी नहीं, सब तो बहुत दूसरी बात है। मैंने उनके हाथ जोड़े जो वो अपनी प्लेट उठाने आए, मैं तो जो पाप है ना मुझे लगेगा ना आप मत प्रेशर हो आपको ले जाओ। एनीवेज वहाँ से मेरी खाने की जोड़ी इतनी मिर्ची इतना सब था, तो उसके बाद तो जो भी मैं घर में थोड़ा बहुत खाई थी मैंने खाना शुरू किया। मैं डरती थी खाने से एक्चुअली, इसलिए शायद मैं खा नहीं रही। फिर मैंने खाना शुरू किया धीरे धीरे और खाने में भी आज ईश्वर के पास से मैं थोड़ा बहुत तो नहीं थोड़ा तो यहाँ पे लर्निंग इस तरह से शुरू होती है। मेरा आज से तो अब कैसे एक मिनट का और है, सुबह आज सबको साने जाना है। फिर ये होता है लालच, दिन मांगे वो। फिर मैंने गुरु जी से बातें करना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम मैं गुरु जी की फ्रेंड हूँ कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ कि मैं गुरु जी की माँ हूँ कि मैं गुरु जी की बहन हूँ, मुझे नहीं मालूम। पर कुछ तो नाता है मेरे उनका, मैं हमेशा यही कहती हूँ तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूँ ही नहीं दे दुभाता कोई कहीं ना कहीं मेरे दिल दुभाने लगे। मैं उससे बातें कर रही हूँ। संजय जी मुझे कमाती बहुत थी मैं लाइफ में, लेकिन मुझे और किसी का बहुत शौक नहीं था, मुझे साड़ियों का बड़ा शौक शुरू से। तो मैं ना कई बार यू नेम द ब्रांड यू मनीष मल्होत्रा सभ्य साक्षी उतना भी नहीं कमाती थी मैं, पर कई बार अपनी पूरी पूरी महीने की सैलरी एक साड़ी पे लगा दी थी। उसके बाद समझ नहीं आता मैं खाऊंगी कैसे पूरे महीने, पर वो मेरा शौक था जो मैं करती थी। अब बहुत दिन हो चुके थे कहानियाँ चढ़ गई, मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी बड़े दिन हो गए साड़ी खरीदने खरीदी मैंने, तो अपने आप भी शायद सोचते हुए गुरु जी बोले क्या हो गया तू नीचे साड़ी भी चाहिए। मेरे गुरु जी साड़ियाँ बहुत थे पर नहीं चाहिए, ले आ जाती कैसे ले आओ। अब इतने सालों से इंडिपेंडेंट रही हूँ, ऐसा नहीं है आपका बबई बदलाव फैमिली मैं हस्बैंड पर अगर मुझे आदत ही नहीं हस्बैंड से कभी पैसे लेने की, कभी लिया ही नहीं। तो मैं कहा गुरु जी साड़ी तो अच्छी चाहिए ऐसी वैसी भी चाहिए, क्या चाहिए? सत्य पॉल की साड़ी छोटा मोटा नाम। एंड मेरे दिमाग में पूरे कॉन्वर्सेशन चले जैसे आप हंसे वैसे वो भी हंसे। अच्छा मेरे पास चाहिए तो सत्य पॉल की और अपने आप चाहिए, मांग के नहीं चाहिए, अपने आप सारी जिंदगी अपने आप ही खरीदी है। ये बोल बाजी मैं अपना फिर रास्ते चले। संजय जी अगे ननागर मिल गए, ये भी मेरे बिजनेस के बाहर है। विद इन अ वीक एक हफ्ता भी हुआ शायद
आई गॉट कॉल फ्रॉम माय दिल्ली ऑफिस. मैं यहाँ पे पूसा रोड पे नेक्स्ट आए से निधि जी कुशल मिश्रा नाम से लोग भागवत करती है ब्रांड इन देमसेल्फ्स राइट. मेरे पास कॉल आता है मेरे बॉस का. He says, रूपा यू वांट इट बैक. तीन साल से मैं दिल्ली मार्केट से बाहर हूँ. उनको कोई ना कोई मिली गया दिल्ली भाई. मैं भोपाल में बैठी हूँ उनको ऑर्डर भेज दे मामी जब मेरे ऑर्डर मिल गया होगा दिमाग नहीं चल रहा है काम मेरे बिना भी. मैंने सर आप अभी तो मेरा मेट कर रहे हैं. बोले रूपा हमने बहुत कोशिश की तुम्हारा एक सबसे निभाने की लेकिन हम नहीं कर पाए. वी वॉन्ट यू बैक. लेकिन सर मेरा खाली क्या है मैं उतना नहीं बोल सकती जितना भाई पहले बोल पाती थी जो भी है. उन्होंने एक लाइन बोली रूपा जबान तो वही है दिमाग तो वही है ना वापस आ रहा. अब उस समय मुझे कुछ याद आ गया था. अब मैं मुझे याद आ गया मेरे सर एक शर्त है. बोले क्या शर्त है. इस महीना केवल ये महीने की शादी मुझे एडवांस में चाहिए. बोले ठीक है. अब मैं थोड़ा सा बचपने में भी आधार की बात करते हुए मेरे केवल ये महीना भले अगले महीना मत देना ये महीने की सैलरी मुझे पहले दिन एडवांस में चाहिए. बोले ठीक है डन. सैलरी क्रेडिट हुई है मेरे अकाउंट में. मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ उतरी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट. सबसे पहले एम्बुलेंस पहुंच गई सत्य गुरु जी की दया से दो साड़ियाँ में जाके पहनी. मैं जो पहना उसके बाद पहनी ये है. और उस साल इंडिया के जो टॉप 10 बैंकर्स थे उसमें से 5 बैंकर्स मेरे. यहाँ पे मैं अपना खत्म करती हूँ. बस एक ही बात बोलूंगी सबसे बिलीव. बिलीव बहुत बड़ी पावर है. करते हम सब हैं लेकिन कहते कि जब हम सरेंडर कर देते हैं ना कहते ना अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में तो भार बहुत हल्के हो जाते हैं. एंड दिस हैपेंस मेरे साथ हुआ है. गुरु जी मैं संदीप जी मैं सामने एक साक्षात एग्जाम्पल हूँ. करना हमें पड़ता है. जबान शायद मैंने चलाई होगी अपनी सब कुछ मैंने किया होगा लेकिन जवाब हो प्यार दीजिए प्यार मिलेगा. बहुत खराब हो चुकी थी मैं हर झप्पी पाना जिसको बोलते हैं प्यार की झप्पी इट वर्क्स. अब ये मुझे गुरु जी ने बोला हर किया गया प्यार किया कर अपने आप प्यार मिलेगा बहुत प्यार मिलता है.